बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। थोड़ा सा सिस्टमैटिक बनाया जाता तो मेरे हिसाब से इतनी परेशानियां ना खड़ी होती। तो अचानक से लॉकडाउन के परिणाम ये हैं कि भूख की कमी से ज्यादा लोग मर रहे हैं। एक बात और जरूरी कहनी पड़ेगी मुझे कि डॉक्टर्स का तो हम शुक्रिया अदा बार बार ही करते हैं, पुलिस के लोग अब शुक्रिया अदा करते हैं, कहीं कहीं देखे जो सही करेगा उसका शुक्रिया अदा करा जाएगा, जो गलत करेगा उसकी आलोचना भी की जाएगी। कहीं कहीं पुलिस जो है ज्यादती कर रही है, लाठियां मार रही है, इससे नुकसान भी होता है, ये गलत है, इससे पुलिस की छवि को भी नुकसान होता है, आम आदमी को भी, जो कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग गलत करते हैं तो उनकी वजह से सब लोगों को सुनना पड़ता है, तो ये बुरा है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाएं ना करें। बहुत सारे जगह लोग को लाठियां मारी गई बिना कारण जाने, पुलिस पीट रही, ये गलत है। तो ये आलोचना भी इसलिए उनकी हो रही है। लेकिन एक जो बड़ा वर्ग है, जो मेरा समाज है, उसके साथ बड़ी जो है दिक्कतें हैं, जिसको सफाई कर्मचारी वर्ग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि सब दलित सफाई कर्मचारी नहीं है, लेकिन सारे सफाई कर्मचारी दलित हैं, ये इस देश का बड़ा सवाल है, ये इस देश की जाति व्यवस्था का एक बड़ा सच है। तो जिस तरह से सफाई कर्मचारियों के साथ घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं, एक घटना हुई जिसमें एक सफाई कर्मचारी को पीटा गया और सैनिटाइजर करने गया था, सैनिटाइजर ही उसके मुंह में डाल दिया गया और उसकी डेथ हो गई। और कई सफाई कर्मचारियों को पीटने की, एक महिला सफाई कर्मचारी को पीटने की बात आई है, वो माँ है हमारी, हमारे समाज की हैं, तो तकलीफ है। और कई सारे भाइयों को भी पुलिस कर्मियों द्वारा पीटा गया। ये आलोचना के मुद्दे हैं, इन पर आलोचना करनी पड़ेगी। और ये ऐसा ना किया जाए, ये भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और इनकी तनख्वाह में ड्राप, डॉक्टर की तनख्वाह क्या और पुलिस की तनख्वाह का के आधी तनख्वाह शायद इनको मिलती होगी। इनका भी जीवन है, इनके भी परिवार हैं, इनको भी जीवन जीने का हक है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कुछ, जैसे खबर आई है कि कुछ जो लोग रखे गए हैं क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ पे भी खाने पीने की समस्या, एक दिल्ली पुलिस के जवान ने कहा, और भी बहुत सारे लोग समस्या है कि वहाँ जो है दवाइयों का और मेडिकल फैसिलिटी का केयर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ये बड़ी समस्या है, तो ऐसा ना किया जाए। दूसरा, उस जवान ने जो कहा वो मुझे बताना पड़ेगा कि 45, उसने कहा कि मेरे परिवार का टेस्ट करा, तो कहा कि 4500 रुपये की व्यवस्था करो एक टेस्ट के लिए। ये महामारी है, इससे आम आदमी को निपटने के लिए, पहले तो रोजगार नहीं है, रोजगार पूरे ठप हो चुके हैं, तो पैसे कहाँ है? पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो तो मोदी जी के पास है, सरकार वो कहाँ लगाएंगे, विधायक खरीदने में या किसी और काम में, सरकार बनाने में कहाँ लगाएंगे, तो वो जाने। लेकिन सरकार के पास और भी तो सोर्सेज हैं पैसों की, तो वो उसे क्यों नहीं यूज कर रही है? एमरजेंसी के लिए जो आरबीआई के पास पैसा है उसे क्यों नहीं यूज कर रही है? अभी कह रहे हैं गवर्नमेंट कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली है, उनके भी तो परिवार हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? तो सरकारी कर्मचारी तो लगातार काम कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ सभी सरकारी कर्मचारियों को आप कहिए ना कि वो भी काम पे आए, उनको भी जिम्मेदारी दीजिए, कहीं कहीं उनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं, उनको जिम्मेदारी दीजिए, जिससे कि वो हाथ बटाए। अब मैं सरकार से एक सवाल करता हूँ, आप सब लोग भी सुने, सरकार बहुत प्राइवेट करनी पड़ी थी ना सरकार को, लगातार प्राइवेट, कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल मदद कर रहा है इस समय भाई? कौन सी प्राइवेट रेलें चल रही हैं? वो रेल चलाते प्राइवेट जो आपने चलाई थी, पूंजीपतियों की वो रेल चला के पहुंचा देते, उससे क्यों नहीं पहुंचाया? उसमें तो बहुत सारी सुविधाएं थी। कितनी जगह मैंने देखा बिहार में बच्चे मेंढक खा रहे हैं, झारखंड में लोग सांप काट के खा रहे हैं। और लोकतंत्र है, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका कि रोटी कपड़ा मकान पे क्या है, सबसे पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, फिर स्वास्थ्य की सेवाएं, फिर एजुकेशन, फिर रोजगार और फिर सुरक्षा। ये तो गवर्नमेंट देती देती है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में ये सातों चीजें देना तो गवर्नमेंट का फर्ज है, लेकिन क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार के एजेंडे में गरीब लोग नहीं है ना, इसलिए नहीं दे रही। अब मैं बात